देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में अपने आप में एक मुहिम बनकर सामने आ रहा है और लोग इस अभियान में काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज अंबाला छावनी में स्कूली बच्चों ने एक स्वच्छता रैली निकाल लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया और आसपास के इलाकों में फैली गंदगी को भी साफ किया। बच्चों ने लोगों को स्वच्छ भारत बनाने की गुजारिश की और उनके हाथ में पकड़े बैनरों ने लोगों को कई तरह के संदेश भी दिए। इस मौके पर बच्चों के साथ मौजूद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान कुलभूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए इस अभियान में वो बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और उन्होंने बच्चों को भी सफाई के लिए जागरूक किया। उनको स्वच्छ भारत बनाना है, उसी के तहत हमने अपने निवासियों के साथ मिलकर, अपने स्कूल के साथ मिलकर ये मुहिम छेड़ी है। नेड़ा निवासी हमारे साथी और स्कूल के अध्यापक इसमें, बच्चे भी जागरूकता फैला रहे हैं कि हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे। और हमारा ये भी ऐलान है कि हमारे सारे प्राइवेट स्कूल्स पूरे हरियाणा में ऐसी मुहिम को छेड़े ताकि भारत को स्वच्छ बनाने में हमारा अहम योगदान हो। सफाई अभियान को लेकर स्कूली छात्र काफी उत्साहित नजर आए और बच्चों का कहना है कि अब वो खुद भी सफाई का ध्यान रखेंगे और अन्य लोगों को भी सफाई रखने के लिए जागरूक करेंगे। हम सफाई कर रहे हैं सारे स्कूल अपने आसपास और अपने स्कूल और अपने घरों और स्कूल की। हमारे टीचर ने बताया और दूसरों को शिक्षा दीजिए कि वो अपने घरों और अपने आसपास की सफाई करें। इंडिया 24 के लिए अंबाला से एस डी शर्मा की रिपोर्ट।